हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अपने घरों में प्लांट्स भी रखते हैं और अब उनको बहुत सुंदर सजाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, तो नए 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 आइडिया आते रहते हैं। बालकनी को भी हम लोग, छोटी सी जगह होती है लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से प्लांट्स से और छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स से सजा कर रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसी कोशिश में आज मैं आपको एक और छोटी सी डेकोरेशन बताना चाह रही हूँ जो आपके बिल्कुल फ्री के सामान से बन जाएगी। और आपने अक्सर यूज़ किए होंगे ये चाय के कुल्लड़, और इनको ज़्यादातर लोग पी के फेंक देते हैं, लेकिन मैं तो कभी फेंकती नहीं हूँ, इनको लेकर आती हूँ, इनमें कुछ कुछ लगाती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ। तो आज इन्हीं कुल्लड़ से मैं आपको बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुल्लड़ खूब अच्छे से धो के साफ़ कर लिए थे और उनके पीछे ये कील से छेद कर लिया था। जो कील बड़ी वाली होती है, 4 इंच वाली, उससे ऐसे घुमा घुमा के ये छेद हो जाते हैं। देखने में लग रहा होगा आपको कि बहुत टफ़ काम है, लेकिन इतना नहीं है, आसानी से हो जाती है। 10-15 मिनट लगे थे 6-7 कुल्लड़ में छेद लगाने में। ठीक है, अब इनको आगे मैं पेंट करके और आपको बताती हूँ कि कैसे लगाना है। इनमें एक बेस पेंट हम कोट करना होगा, जिसके ऊपर हम अपनी और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। चाहे तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन शाइनिंग नहीं आती ना इस करके। तो कलर करने के लिए मैंने फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स लिए हुए हैं और ये पूरा सेट है मेरा, इसी में से मैं करूँगी। तो इस तरह से आगे आपको बताती हूँ मैं। ये दो ही हैं, एक ही थोड़ा पतला है और एक ही थोड़ा चौड़ा है। अभी इसी से काम चलाना है क्योंकि बाकी सामान तो मेरा मेरे घर पे रखा हुआ है। ये जो चौड़ा वाला ब्रश है, ये थोड़ा इसकी बेस कोट करने के काम में आएगा, और सब पे मैं एक ही कोट करने वाली हूँ, डबल कोट नहीं करने वाली। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो गए, और इसको तैयार करने में मेरे ये ग्रैंडसन राम ने मेरी बड़ी मदद की है। बच्चों को बिठा लेने से ना उनका मन भी लगता है, और अभी ये लॉकडाउन में जो इनका टाइम लग रहा है ना, यानी कि हम घर में बोर हो रहे हैं, तो उसमें भी इन्हें मज़ा आने लगता है। ये नील है और ये भी बना रहे हैं, आप देख रहे हैं ये। तो ये बेस कलर बना के हमने, जो कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं का काम है, तो ये लिए हमने जॉनसन्स बर्ड, इससे डॉट्स लगाई हैं और चौड़े ब्रश से एक एक पट्टी खींची है, बस ये है। इतनी कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एलाबोरेट डिज़ाइन नहीं है, ये आप भी बड़े आराम से बना सकते हैं, कुछ भी इसमें खास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इनको क्या है कि इनको लटकाने का अरेंजमेंट कर। बच्चों को साथ लगा लेने से ये होता है कि एक तो उनका टाइम भी पास हो जाता है और वो बड़ी खुशी से करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाते हैं तो वो भाग भी जाते हैं उतनी जल्दी। तो इसलिए मैंने ये जो जॉनसन्स बर्ड हैं, ये मेरे बड़े काम आती हैं। फटाफट उनको डिप करो और बिंदी लगाओ, एक बराबर की एक साइज़ की बिंदी लग जाती है, हार्डली टाइम लगता है इनको सबको बिंदियाँ बनाने में। ठीक है, तो अब इनको लटकाने के लिए मैंने लिया है ये नायलॉन थ्रेड, और ये आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे मिल जाएगा। ये थोड़ा मोटा वाला लिया है मैंने, तो ये मुझे 50 रुपीज़ का एक बंडल मिला है। जो पतला वाला होता है वो थोड़े कम पैसों का आ जाता है। और इसमें लगाने के लिए मैंने लिए हैं ये बीड्स और ये छोटी छोटी बॉल्स। एक्चुअली एक पुरानी माला थी और जिसको तोड़ के ये निकाले हैं हमने, है ना। तो इन्हीं को मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये डबल मोती डाल के मैंने नॉट लगा ली है इसमें, और नॉट बहुत आपकी मजबूत होना चाहिए, तो अच्छी तरह से प्लास वगैरह से पकड़ के खींच लें, क्योंकि ये नायलॉन है तो ये वापस खिसक के खुल ना जाए। ठीक है, अब इसमें मैं ये बड़े मोती डालती हूँ, और ये जो बॉल हैं ये भी उसी माला में थी। इन्हीं ये जो बॉल हैं इनके ऊपर ब्लू कलर का रेशम लपेटा हुआ था, वो तो हमें खोलने के बाद पता चला कि ये बॉल है, वरना हम तो सोच रहे थे ब्लू कलर के ही ये है ना। तो ये बीच में ये भी लगा देती हूँ मैं। इस तरह से बीट्स डाल के लंबा सा बना लिया है, और इसकी लंबाई जो रखी है वो इसमें कोई भी मोती डाल सकते हैं, या कम मोती डाल के आप यहाँ ऊपर एक नॉट भी लगा सकते हैं। ये सब मैंने पुराने ही लिए हैं, तो मैं उन्हीं को सब ठिकाने लगा रही हूँ। और ये जो इसमें हमने छेद बना रखा है, अब हम इसमें से इधर से डाल के और उस साइड से निकाल लेते हैं। ये इस तरह से इसको डाल लिया है, नीचे से ही थोड़ा सा दिखता रहेगा तो देखने में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको यहाँ से लॉक करने के लिए एक इसमें बड़ा मोती डाल के इसमें डबल उसको थ्रेड डाल देंगे। ये देखिए डबल थ्रेड डाल लिया मैं इसमें से, एक बार निकाल के दोबारा नीचे से डाल के निकाले, तो अब ये यहाँ टाइट हो गया, ये ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा। और ऊपर से इसमें इस तरह का लूप बना लिया, आप चाहें तो उसमें
साधारण रस्सी डाल के भी उसको मतलब लूप लंबा बना सकते हैं अब, और ये लंबाई इसकी कोई भी आप रख सकते हैं क्योंकि मैंने अलग अलग हाइट के बनाए। तो अब मैं आपको ये सारे तैयार करके इकट्ठे दिखाती हूँ, है ना। तो ये जो लूप बन गया है इससे टहनियों में इसको डालने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये बनके तैयार हो गए और अभी रात हो गई इसलिए अब ये वीडियो इतना बाकी वाला हिस्सा रात में बन रहा है। तो ये देखिए बनके कितने अच्छे लग रहे हैं, अलग अलग हाइट के आप टांग देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ग्रीन ग्रीन प्लांट्स के बीच में कलरफुल ये ऐसे टंगे हुए डेकोरेशंस बहुत सुंदर लगते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।